बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुक विद संदेश तड़का में खुश आमदीद। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मीठे की रेसिपी में हम बना रहे हैं फिरनी, जो निहायत ही और लजीज और क्रीमी फ्लेवर के साथ। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दूध लिया है हमने 2 किलो, उसको हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है। 1 कप हमने चावलों को धो के भिगोया और उसको बॉईल कर लिया। बॉईल किए हुए चावलों को हमने जूसर के जग में डालना है। उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध और उसको हम बारीक पीस लेंगे। उसके बाद पीसे हुए चावलों को हमने उबलते हुए दूध में डाल देना है और उसको पकाने के लिए रख देंगे। जितनी देर में ये पकेगा हम इसको मुसलसल चमचा चलाएँगे ताकि नीचे से दूध लगे ना इसका बॉयल आए। तो इसको हम चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाता। फिरनी हमारी पकना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद इलायची, बीच में से खोल के हमने इसको डालनी है। 2 से 3 डाल लें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है खीर में या फिरनी में। यह फिरनी हमारी पकनी शुरू हो गई, इसको हमने हल्की आंच पे रख देना है और चमचा मुसलसल चलाते रहना है, वरना ये बॉयल होकर बाहर आ जाएगा। फिरनी हमारी पक रही है, इसको हमने इतना पकाना है कि ये 2 किलो दूध का 1 किलो रह जाए। जब ये अच्छे से गाढ़ी होने शुरू हो जाएगी तब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी हमने ली 1 कप, दूध हमारा 2 किलो है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसको 1.5 कप भी कर सकते हैं, वरना 2 किलो दूध में 1 कप चीनी यानी कि 1 पाव चीनी काफ़ी रहती है। तो ये आप की मर्ज़ी पे है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं। हमने जो फिरनी बनाई थी बहुत बेहतरीन बनी थी, तो आप हमारे तरीके से लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। इसको हमने थोड़ा और पकाना है, चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया होगा तो हमने उसको भी खुशक करना है। जैसे पानी खुश्क होगा तो इसको हम थोड़ी देर पकाने के बाद एक प्लेट में थोड़ा सा इसको हम निकालेंगे। अगर फिरनी हमारी प्लेट में जम गई तो हमारी फिरनी रेडी है, अगर ना जमी तो हमने इसको थोड़ी देर और पकाना है। ये प्लेट में हम इसको निकालेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठंडा करने के लिए। ये देखें, ये जम गई है, इसका मतलब ये बह भी नहीं रही, तो ये रेडी हो गई हमारी फिरनी। तो रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बहुत स्मूथ और क्रीमी फिरनी हमारी तैयार है, तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी क्रीमी बनी है। तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल।